नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। मोदी सरकार के दूसरे चरण का पहला साल पूरा होने पर सांसद ने प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना से उभरने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने सरकार का दूसरे साल का पहला वर्ष बहुत ही प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके लिए सरकार ने पहले ही वर्ष में भारत के प्रत्येक नागरिक को कोविड 19 और उफान चक्रवात जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रभाव से उभरने के लिए 20 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना करके वो समाप्त किया है। इसका लाभ देश को मिला। दूसरा ऐतिहासिक निर्णय जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में यह हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो प्रताड़ित हिंदू था, चाहे वो बांग्लादेश में रह रहा था, चाहे वो अफगानिस्तान में रह रहा था, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा था, ऐसा हिंदू जो धर्म के आधार के ऊपर पीड़ित था, ऐसे लोगों को सम्मान देने का काम इस सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो पास करके उनको सम्मान देने का काम किया। चाहे वो हिंदू था, चाहे वो बौद्ध था, चाहे वो जैन था, चाहे वो सिख था, चाहे वो पारसी था, जो धर्म के आधार के ऊपर इन देशों में जो पीड़ित लोग थे, उनको इसके माध्यम से सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने वो उन लोगों को सम्मान देकर के इस बिल को बनाने का काम किया। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।